आप देख रहे हैं यंग बाइट्स मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाने जा रही हूं जो इंट्रोडक्शन के मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं और गीटिया मूवी के फेम हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं तनवीर डाजी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में थैंक यू थैंक यू वेरी मच तनवीर जी अगर आपके यहाँ तक के सफर की बात की जाए अपने पैशन को लेकर आप आगे बढ़े और अभी आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर भी हैं तो एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर करेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं एक्सपीरियंस हर एक इंसान का ज़िंदगी में रहता है लाइफ में एक्सपीरियंस रहता है मैं रजौरी से बिलोंग करता हूं बेसिकली मेरी स्कूलिंग जो है वहां से हुई उसके बाद मैंने जम्मू आया जम्मू यहां पे मैंने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी मैंने यहीं से की जी। बस उसके बाद बात जब हम कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं तो हमारे कई सारे एम्स होते हैं कई सारे गोल्स होते हैं हम सोचते हैं हमें ये भी बना हमें ये भी बनना है और समय के साथ वो चेंज होते रहते हैं आपकी अगर बात की जाए तो क्या जो सोचा था वो बने या कुछ और भी ड्रीम थे बचपन के देखिए जब आदमी स्कूल में होता है टीन एज में होता है तो उसके ड्रीम्स कुछ और होते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसके जैसे जैसे उसका सर्कल बढ़ता है उसके फ्रेंड्स बढ़ते हैं एक्सपोजर मिलता है तो उसके ड्रीम्स चेंज होते हैं जी। लेकिन फाइनली हर एक के माइंड में एक एक टारगेट होता है और होना भी चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं कुछ जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं वैसे ही मेरा था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता था मेरा एक शौक था मेरा एक पैशन था कि मैं एक्टर बनूँ और उस दौरान फिल्में देखता था ओ वी में मूवीज़ देखनी और जो जो उस मूवी में होता था वैसे वैसे हम लोग घर में वो करते थे इंस्पायर किससे होते थे ज़्यादा इंस्पायर बस जिसकी मूवी देख ली अमिताभ जी हैं दिलीप साहब हैं नसीर साहब हैं नाना पाटकर हैं सबकी मूवीज में लाइक करता था संजीव कुमार जी की मूवी में बहुत लाइक करता था तो अच्छे एक्टर्स जितने भी थे सब इंस्पायर तो करते थे कॉलेज स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता होगा तो सबसे पहले आपको आगे हुआ यस यस मैं मैंने जब जब मैं कंप्यूटर किया मैंने जब एन में तो तब मेरे को मौक़ा मिला स्कूल में जब था मैं तो तब स्टेज करने का मौका मिलता था एंड स्टेज के साथ साथ जब जब मेरा कॉलेज हुआ तो उस दौरान ड्रामा करने का मौक़ा मिला नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा का कंप्लीट करने के बाद वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद फिर थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया जब थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें फिर वो शोज़ होते थे बॉर्डर एरिया शोज़ नुक्कड़ नाटक प्लेज बड़े काफ़ी प्लेज मैंने किए तो कभी ऐसा हुआ कि घर वाले बोलते थे कि एक्टिंग फील्ड में क्या रखा कुछ अलग से कर या होता है ना क्योंकि पेरेंट्स को ज़्यादातर रहता है कि बच्चे की हमारी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इतना ज़्यादा जो उस टाइम पे एक्टिंग फील्ड को एक्सपोजर मुझे लगता नहीं मिलता था आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको नहीं पूजा होता क्या है कि हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे के अंदर जो उसके अंदर कला है चाहे वो किसी भी फील्ड को लेके है वो जानना और जांचना बहुत ज़रूरी है जी। मेरे पेरेंट्स बड़े क्वालिफाइड थे पढ़े लिखे थे और बहुत देर पहले ही उन्हें ये चीज़ वो जज कर गए थे कि उनका बेटा क्या करना चाहता तो उनका सपोर्ट रहा हमेशा और मैं हर एक को ये बोलता हूँ हर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो बहुत सारे लोग हैं कंजर्वेटिव फैमिलीस हैं जो हमारे बड़े तरह जो रूरल एरियाज़ हैं जो लोग आज भी बच्चों को कैमरा के आगे नहीं जाने देते आज भी उनको Uh, कोई डांस में पार्टिसिपेट करना चाहता है कोई थिएटर करना चाहता है एक्टिंग करना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि बाकी लाइंस हैं जैसे कोई पायलट बनना चाहता है कोई मॉडल बनना चाहता है कोई इंजीनियर डॉक्टर या कुछ और बनना चाहता है इसी तरह जो एक्टर बनना चाहता है उसको अब तो बहुत सारा स्कोप हो गए कोई आदमी अगर एक्टर बनना चाहता है उसके लिए स्कूल्स खुल गए हैं ट्रेनिंग स्कूल्स हैं नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा है एफ टी आई है नहीं था एफ टी आई था नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा भी था और उसके लिए आपको डेली दे जाना पड़ता था एंड जैसे एफ टी आई है पुणे में है अब uh, जो कुछ जैसे न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है वो न्यूयॉर्क में है लंदन में है तो इस तरह के बहुत सारे स्कूल हमारे यहाँ पे हैं जो बच्चे अगर कुछ अफोर्ड करना कर सकते हैं उनके लिए तो वो अब्रॉड भी जा सकते हैं है कॉलेज में या स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता था अब लाइव करते थे कैमरे को फेस करने का सबसे पहला मौका कब मिला कैमरे को फेस करने का मौका जम्मू में ही मुझे मिला तब हमारे यहाँ दूरदर्शन था जम्मू दूरदर्शन या कश्मीर का जो तो चैनल था वो था वहाँ से वो हमारी वर्कशॉप वही हुई हमारी जो वर्कशॉप थी जहाँ से हमने सीखा वो हमारा यही था कि जम्मू दूरदर्शन और कश्मीर दूरदर्शन फिर वहाँ से उसके बाद फिर करते 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 आगे जब एक अब किसी चीज़ को आ, मतलब तो फ्री हो जाते हो इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो बड़ा इजी हो जाता है फिर चाहे वो फिल्म का कैमरा है या सीरियल का है या आया जब आपको ऑफर आया किस तरह का आपकी एक्साइटमेंट थी या जब आपको पता लगा आपका रोल क्या है तो उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस जितने व्यूअर्स है उसके साथ देखिए मूवी मूवी जो थी मेरी आ, जो फर्स्ट फिल्म मैंने मुंबई में की थी आ, तो रुस्लान नाम था उसका वो मैंने की थी मौसमी चटर्जी की बेटी थी उसमें तो उसके बाद फिर कुछ सीरियल्स किए मैंने जी के भी किए कश्यत के भी किए नेशनल के भी किए एंड uh, उसके बाद फिर uh, मेरी जो फिल्म अभी आप जिसकी बात कर रहे थे गीटियाँ फिल्म गीटियाँ फिल्म हम लोगों ने जम्मू में खुद प्लान की खुद बनाई और प्रोड्यूस भी किया एक्ट भी किया और, और उस उस काफी लोगों का प्यार मिला बहुत सारे लोगों ने सराहा कि नहीं यार अभी आपकी ये जो मूवी है ये बहुत अच्छी है और आपको आगे भी करना है इसी में ही काम करना है आप और कोई नई मूवी बनाइए लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू में आपने मुझे बताया शुरुआत में कि आप रजौरी के रहने वाले हैं और रजौरी की लैंग्वेज जो है वो अलग होती है और ऐसे में डोगरी लैंग्वेज में पूरी मूवी करना क्या नया एक्सपीरियंस था और किस तरह का आपका पता मेरी मैं आपको बताऊं कि मेरी जो स्कूलिंग है आ, आफ्टर टेंथ ना एलेवें ट्वेल्थ तो एंड उसके बाद कॉलेज एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी और मैं शुरू से जम्मू में ही रहा हूँ मेरी फैमिली मेरे पेरेंट्स जम्मू में ही रहे तो मुझे डोगरी बोलने में कोई परेशानी नहीं आई क्योंकि आती है मेरे को डोगरी बोलना तो कोई ऐसा टफ नहीं था मेरे लिए डोगरी बोलना और कलाकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता तो आप अगर मुझे पेमेंट करेंगे तो मैं मलयालम में भी बोल दूंगा ऐसा कुछ नहीं है तो क्या कहना चाहोगे क्योंकि आपने हमारी जो बात चली थी उसमें आपने कहा कि आपने सीखा वर्कशॉप जो है टाइम की आज के टाइम की अगर बात की जाए तो बिना सीखे क्योंकि आप कई सारे लोगों को देखते हैं ऑब्जर्व भी करते होंगे जो बिना सीखे आगे बढ़ने का सोचते हैं उनके लिए क्या नहीं सीखना बहुत ज़रूरी है अब आप मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी आदमी का ऑपरेशन करो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने सीखा नहीं है आप डॉक्टर नहीं है सेम उसी तरीके से अगर मैं आपको किसी एक आम ले मैन को बोलूँगा कि आप एक्ट करो तो उसके लिए वैसे ही हो जाएगा जैसे एक आम आदमी के लिए ऑपरेशन करने वाली बात सीखना बहुत ज़रूरी है और जब तक आप सीखोगे नहीं आपको आपको स्क्रिप्टिंग का पता नहीं होगा आपको लाइंस का पता नहीं होगा बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं होगा डायलॉग डिलीवरी का पता नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स का पता नहीं होगा मेकअप के बारे में आपको नहीं पता होगा कैमरा के एंगल्स नहीं पता होंगे एंट्री एग्जिट नहीं पता होगा मार्क नहीं पता होगा फोकस कहाँ होता है कैसे होता है ये सब चीज़ें आर्टिस्ट को सीखनी पड़ती हैं तो ये आदमी काम करता है कि आदमी को आप खड़ा कर दीजिए कैमरे के आगे तो वो चल नहीं पाएगा तो सीखना बहुत ज़रूरी है

जब एटीज़ में एट्टी फाइव एट्टी सिक्स में उसके बाद मिलिटेंसी आ गई तो जम्मू में गैंगवार हुआ करते थे छोटे छोटे गैंगवार नुक्कड़ हर गली में कुछ ना कुछ गुंडागर्दी हुआ करती थी तो उन चीज़ों को लेकर उन चीज़ों का ताना बाना बुनकर हम लोगों ने फिल्म गीटियाँ जो बनाई और उसमें जो लोकेशन है वो सब की सब हमने यहीं पर दिखाई लोकल जो हमारे जम्मू की थी पुराना ओल्ड जम्मू था पुरानी सिटी थी उसको सब हमने एक्सप्लोर किया और देखा और और लोगों को बहुत पसंद भी आया और ऐसी ऐसी जगह ऐसे ऐसे वो जो हमने दिखाई लोकेशंस दिखाई जैसे वो कुछ लोगों ने जो आज जम्मू पुल के इस पार जो लोग रहते हैं उनको शायद पुराना जम्मू का पता नहीं है ओल्ड जम्मू का पता नहीं है तो आज भी लोग देखते है आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पैशनेबल लाइफ को

हमें एक लीव मिल जाता है उसके बाद फिर कुछ छुट्टियाँ रहती हैं फिर कुछ नाइट शेड्यूल्स होते हैं तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं क्योंकि अब ऐसा इतना यहाँ पे काम तो नहीं है कि हम होली सोली इस फील्ड पे डिपेंड हो जाए जी तो कभी कभार वन एब्लू में कोई आता है कोई प्रोजेक्ट आता है कोई कहता है यार शूट करना है चार छः महीने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट की बात की जाए कभी आपको ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया अब मैं कुछ कर नहीं सकता तो उसके बाद एकदम से ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि एकदम से आगे आगे कुछ ऐसा जितने वेर देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे नहीं टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है लाइफ में कि मैं ख़त्म हो गया या मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ ये एक नेगेटिव थाट्स आने भी नहीं चाहिए और जो एक एक्टर है जो कलाकार है जिसने जिसने परफॉर्म जिसने सीखा है जिसने स्टेज पे स्टेज हमें यही सिखाता है जो ड्रामा थिएटर यही चीज़ें सिखाता है कॉन्फिडेंस फेथ ये सब चीज़ें आप वहीं से सीखते हैं और और ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी ख़त्म हो गया हमारा फील्ड एक ऐसा है कि अब वो हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं नसीरुद्दीन शाह साहब को लीजिए या नवाजुद्दीन सदीक को लीजिए कि इस एज में जाके आज फिफ्टीज़ में उन लोगों को चांस मिला है तो बोमन ईरानी जो है वो फोर्टी फाइव फिफ्टी की एज में वो आए हैं ए के हैंंगल साहब को देखिए श्री राम लागू को देखिए और किस किस एज में वो लोग आए हैं तो हमारे यहाँ पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है आप किसी भी फील्ड कभी भी किसी भी रोल में आप आ सकते हो आज आप यहाँ तक पहुँचे हो किस हिसाब से पहले आप अपना ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है दोस्तों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और फैमिली जब तक आपको आपको सपोर्ट ना करे आपको आपको हेल्प uh, ना करे तो आपके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मुश्किल हो जाता है कि आप बाहर संभालोगे या घर संभालोगे जब घर संभल जाए तो बाहर आदमी संभाल लेता है अभी आपकी बॉलीवुड मूवी भी आ रही है गैंग वार एट्टी क्या कहना चाहोगे गैंग वार एट्टी फोर भी फिल्म हम लोगों ने की है पंजाब के हैं डायरेक्टर हमारे उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है वो कोशिश उन्होंने अच्छा प्रयास किस किया, है। रोल वो आ, करना मेरा एक किया था क्योंकि तो नेगेटिव में मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता हूँ तो गीटिया में तो पॉजिटिव भी था और इसमें लोगों की कंफ्यूजन थी उसमें हीरो है तो एक बड़ा अच्छी तरीके से उसको हमारे डायरेक्टर ने राहुल जी ने बड़े अच्छी तरीके से उसका स्क्रीन प्ले और उसको एक करेक्टर को एक लोगों के सामने जो लाया मेरे करैक्टर को एक बड़ा एक चैलेंज था उनके लिए भी और मेरे लिए भी कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाए और गैंग 84 एटी भी फिल्म आएगी देखते हैं अभी उन्होंने अच्छी कोशिश की अच्छा प्रयास किया टीम अच्छी थी लोग बाहर के थे हमारे जम्मू के लोगों को भी लिया उन्होंने कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स भी थे और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने कोशिश की है उसमें मुझे उम्मीद है कि लोगों को मेरा करेक्टर पसंद आएगा, रोल पसंद आएगा पसंद आएगा और हम भी इंतजार करेंगे कब मूवी आएगी और हम आपका नेगेटिव रोल जो है जरूर देख पाए आखिर में इस प्रोग्राम के युवाओं के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे जिस तरह से मैंने आपको बीच में ये पूछा कि जब ऐसा लगता है लाइफ में सब खत्म हो रहा है और वहीं से जो है यू टर्न शुरू हो जाता है और कई सारे लोग ऐसे हैं आपके साथ खैर छूट की ऐसी चीज़ नहीं हुई और आपने कहा कि मैंने अपने इसको पावर बना के चलाया लेकिन कहीं ना कहीं आप भी लोगों को ऑब्जर्व करें करते हैं लोगों के साथ कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है वो सोचते हैं कि लाइफ खत्म हो रही है किस तरह से उन्हें मोटिवेशनल एक मैसेज देना देखिए मैं जो अपनी हमारी जनरेशन है जो नए लोग हैं नए बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले मैं उनको ये कहूँगा कि वो किसी अगर स्पोर्ट या सहारा किसी चीज़ का लेना है तो वो एक आपका जो एक, एक जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक होना चाहिए आप लोग नशे का जो आज बाहर की कंट्री से या बाहर के स्टेट से अब लोग आ रहा है यहाँ पे लोग नशा कर रहे हैं ड्रग्स ले रहे हैं पता नहीं क्या क्या वो चिट्टा चिट्टा जो करते हैं आजकल वो मारते हैं कुछ करते हैं पता नहीं नाग वाग को डालते हैं तो वो वो सब छोड़ के क्योंकि जब आप जब उन चीज़ों का सहारा लेते हो तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी खत्म कर रहे लगती कि ट्रेंड है और मतलब कि इससे हम डूट बन जाएंगे हाँ ये ये लगता है उनको टाइमली लगता है वो जब भी आप उस चीज़ को लेते हो उसको इनहेल करते हो वो टेम्प्रोली आपको रिलीफ मिलता है कहते हो हाँ यार ठीक है मैं लेकिन जब आप उसको छूटते हो या थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप फिर इरीटेट होना शुरू हो जाते हो घर में जब बैठते हो तो पेरेंट्स के साथ तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते किसी भी जगह आप कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हो भागने की कोशिश करते हो तो ये सब चीज़ें उसकी सिम्टम्स हैं मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ के एक पॉजिटिव वे से लाइफ को देखा जाए सोचा जाए और, और अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो इन चीज़ों का सहारा मतलब बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ तनवीर जी जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर से युवाओं के लिए एक मैसेज दिया कि अपनी लाइफ पॉजिटिव वे में चाहिए और नशे से दूर रहे अगले अपने लेख अफर में हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्स से आपको रूबरू